फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किठौत में गौरव पुत्र चंद्रभान जाटव, कुमारी खुशबू पुत्री भीकम सिंह जाटव दोनों में प्रेम प्रसंग था। यह प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका खुशबू से ऊब गया था तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने परिवार के साथ उसको ठिकाने लगाने के लिए रचा षड्यंत्र और अपनी प्रेमिका खुशबू को अपने ही घर में मार देने के बाद गड्ढा करके दफना दिया। यह मामला 2020 का है, यानी कि 2 वर्ष पुराना। तब लड़की के परिजनों के द्वारा अपनी लड़की की रिपोर्ट गुमशुदा थाना सिरसागंज में लिखाई गई। तब तक प्रेमी के परिजन और प्रेमी गांव छोड़कर जा चुके थे। इसी के चलते हुए प्रेमिका के परिजनों को उन लोगों पर शक हुआ और उनकी लगातार कार्रवाई के चलते आज प्रेमी गौरव कुमार की निशानदेही पर उसके घर से ही खुशबू के कंकाल को किया गया बरामद। इस अवसर पर थाना सिरसागंज SHO विद पुलिस टीम के साथ तहसीलदार, CO अभंग, बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन रहा उपस्थित। हमारी बहन गायब हुई थी 2020 में, सुबह शाम के टाइम 3:30-4 बजे के टाइम पे। फिर आपने क्या किया? मम्मी ने पता किया तो मम्मी ने हमारे पास कॉल की, हमें भी पता चला तो मम्मी को मैंने कॉल करके पूछी। फिर आपको पूरी तरीके से जानकारी कैसे मिली? पूरी तरीके से जानकारी मम्मी ने बताई तो हमने रास्ते में देखा तो रास्ते में ये आते हुए मिला। तो आज जो यहाँ पर फोर्स आया है, यहाँ पर ये क्या मामला है? मामला गौरव ने कबूला है और घर में डेड बॉडी मिली है। अच्छा, खुदाई होने के बाद। ये किसके घर में मिली है? गौरव कुमार के। गौरव कुमार के घर में। गौरव के पिता का नाम क्या है? चंद्रभान सिंह। और आपकी बहन का क्या नाम था? खुशबू। कितनी उम्र थी? 20-21 साल। सर, ये किस तरीके का मामला आज अनावरण हुआ है? देखिए, सन 2020 में करीबन 20/11/2020 को ग्राम किठौत में एक बच्ची खुशबू नाम की, उसकी एक मुकदमा लिखा गया 363/66 का, जिसमें जो एक ये पता चल गया था कि उसके प्रेम प्रसंग किसी गौरव नाम के लड़के से थे। तो 2 साल तक उस पर कुछ प्रगति नहीं हो पाई थी, लेकिन जब अभी पूछताछ में हमने जब गौरव को पकड़ा तो ये बात निकल के आई। गौरव ने खुद पूछताछ में कबूला कि मैंने उस खुशबू नाम की लड़की को अपने घर में दफन कर दिया था। तो मौका पे हम जब आए यहाँ पूरी पुलिस टीम, हमने खुदाई की तो उसका शव बरामद, शव क्या हड्डियाँ मिली हैं उसकी, और उसके जो भी है आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस मौके पे ही गौरव और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।